नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे तो है ही, आप जानते हैं किस तरीके से वो लगे हुए हैं कि वापस उनका काबिज हो जाए सत्ता में। दूसरी तरफ उनके जो चचेरे भाई हैं राज ठाकरे, जिन्होंने काफी लड़ाई करी और काफी कोशिश करी कि किस तरह उद्धव को पछाड़ के वो पहुंच जाएं, तो अब वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस बार वो मैदान में कूदे हैं किस उम्मीद से, इसी पे हम चर्चा करेंगे और क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का उनका रोल रहा है वो सारा फोकस मराठी मानुष पे और किस तरीके से जो माइग्रेंट्स आते हैं खासतौर से यूपी और बिहार के, उनके खिलाफ नफरत पैदा करके वो सोचते हैं क्या हासिल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल उनका क्या पर्पस है इसमें, टारगेट पे उनके कौन है, क्योंकि उनकी तो शिंदे से भी नहीं बन रही है। क्यों ऐसा लगता था कि शायद शिंदे के साथ उनका अच्छा रिलेशन होगा, तभी वो एक तो बहुत ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, और जो है सबसे बड़ा जो सेटबैक उनके लिए हुआ है वो ये कि उनके बेटे अमित ठाकरे को भी वो टिकट नहीं दिला पाए, क्योंकि वो जो सीट थी वो शिंदे के कोटे में आती थी, जो बीजेपी और शिंदे का जो अलायंस है उसमें वो उनके कोटे में आती थी, और अमित ठाकरे को शिंदे ने वो सीट नहीं दी, बल्कि जिसको दी है वो उनके साथ का है और बड़ा स्ट्रांग लीडर। तो इससे दिखता है कि उनकी अपनी उनकी जो कमजोरियां हैं वो सामने जाहिर होने लगी। वो क्या गुल खिला पाएंगे और किस तरह बीजेपी उनके बिल्कुल उनके लिए बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, और बीजेपी क्यों उनको प्रॉप अप कर रही है ये भी देखने वाली बात है। और इसको ये सब बातों को बताएंगे हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो बहुत जानकार हैं, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र की राजनीति ये चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ अनुराग चतुर्वेदी जी हैं, विवेक देशपांडे हैं और MN पार्थ हैं, जो आपको बताएंगे कि क्या गुल खिला पाएंगे राज ठाकरे, क्या जो बीजेपी की उम्मीदें जो भी लगा रखी हैं बीजेपी ने उन पे, वो उसमें कितने खरे उतरते हैं। तो अनुराग जी, बात की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे, क्या लगता है आपको किस करवट बैठ रहा है ऊंट महाराष्ट्र में, और उसमें इनका क्या रोल है राज ठाकरे? राज ठाकरे अभी मुझे लगता है कि तीसरे प्लेयर है, मैं उनको थर्ड जेंडर तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो तीसरे प्लेयर इस मामले में है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे बड़ी पार्टी है, जो युति की का जो निर्माण हुआ है उसके बाद एकनाथ शिंदे है, एकनाथ शिंदे और उसके बाद में राज ठाकरे हैं, और भी कई लोगों को, छोटे मोटे दलों को, निर्दलियों को, ये अमित शाह फार्मूला जो हरियाणा में जो यूज किया गया था उसके तहत ही मुझे लगता है कि राज ठाकरे का थोड़ा मन अभी भारतीय जनता पार्टी और युति के साथ में एक होने का बना है। राज ठाकरे की पहले कुछ हमें उनकी खासियत भी जान लेनी पड़ेगी। वो पहली उनकी सबसे बड़ा जो USP है वो बाल ठाकरे परिवार से है, ठाकरे खानदान के हैं, और ठाकरे का नाम जहां पर भी आता है वहां पे थोड़ा जादू तो चल ही जाता है, और साथ ही साथ राज ठाकरे बहुत अच्छे भाषणवीर भी है, भाषण बहुत अच्छा करते हैं, उनमें अपने चाचा की जो जो बोलने की जो कला है उनको देख के कई लोगों को बड़े बाल ठाकरे की याद आती है, लेकिन बाल ठाकरे की तरह चुनाव कभी नहीं लड़ा, और राज ठाकरे में और मैं मायावती में भी कई साम्य देखता हूँ। कई बार वो चुनाव लड़ते हैं, कई बार नहीं लड़ते हैं, कई बार समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बहन जी की जो कार्ड्स हैं वो हर एक के सामने खुल जाते हैं कि ये किसके लिए क्यों कर रही है, ऐसे ही राज ठाकरे की
राज ठाकरे के भी जो पर्पस है वो किस तरीके से, तो राज ठाकरे का जो सबसे बड़ा स्टिग्मा जो लगा था वो करीब 30 साल पहले रमेश कीड़ी कांड हुआ था, क्योंकि जब शिवसेना का जो मूल अगर आप चरित्र देखेंगे तो वो एक भाऊपाध्याय करके एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं मराठी के, उन्होंने राणा करके एक किताब लिखी थी, तो राणा यानी झगड़ा फसाद, और दूसरा होता है खटनी एक्सटॉर्शन, तो ये इसके एक्सटॉर्शन एंड दंगा फसाद, ये इनकी दो दो चीजें हैं जिसके सहारे इनके प्राण और ऑक्सीजन इनकी ये दो चीजें हैं। तो रमेश कीड़ी मुंबई में आप देखते हैं कि दादर जहां पर कि बहुत मराठी मानुष रहते हैं, मराठी गरीब मध्यवर्गीय निम्न वर्गीय भी रहते हैं, उनमें एक किराएदार था जो घर खाली नहीं कर रहा था, तो उसकी बड़ी रहस्यमय हत्या हो गई सिनेमा हॉल में, उसकी मृत्यु हो गई, और जिसमें उसका जो आरोप है मृत्यु क्यों हुई वो रमेश केड़ी की जो मृत्यु हुई उसमें राज ठाकरे के आसपास सुई घूमने लगी थी, लेकिन बाल ठाकरे ने देवेगौड़ा की मदद से उस समय उनको बचा लिया। और दूसरा जो राज ठाकरे का जो रूप आया वो एक बिल्डर और एक कंस्ट्रक्शन में वो चले गए, और उन्होंने जो लोन लिया था वो उन्होंने ILFS को चुकाया नहीं, तो उनको ईडी ने बुलाया था, तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी की किस तरीके से उपयोग करता है, अपने लोगों को जो बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाते हैं उनको पस्त कर देता है, और जब ईडी ने बुलाया तो राज ठाकरे की हवा निकल गई, जो उनका जो दबदबा था वो एकदम दब गए, वो खत्म जैसे हो गए, और उन्होंने समझौते करने काफी शुरू किए, ये जो 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 ईडी का ये जो पैसा उन्होंने लोन लिया था वो उनका और मनोहर ठाकरे मनोहर जोशी के जो बेटे थे उन दोनों के बीच में उन्होंने, और वही जो उन्होंने टावर बनाया था वो कुछ दिनों बाद ही एक लमसम पैसा लेके किसी तीसरे आदमी को भी बेच दिया, तो ये जब उनकी छवि बन गई थी, और जहां तक उनका भी अभी उन्होंने अपने पुत्र अमित को उतारा है आपने जैसे बताया, तो अमित जो है वो बॉम्बे स्कॉटिश का पढ़ा हुआ लड़का है, उसको ठीक तरीके से मराठी भी नहीं आती, हिंदी तो छोड़िए, तो उनको काफी वो सामान्य लोगों से मिलना उनके लिए कठिन होता है, तो राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी की के लिए बैटिंग शुरू की, और काफी उम्मीदवार मुंबई में भी उतारे जिससे कि मराठी वोट कट जाए, और उनको भारतीय जनता एक तरीके से इतना वोट कट जाए कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, जैसे आपने कहा कि ऊंट किस करवट बनेगा, तो मैं इसकी जगह ये शब्द शरद जी प्रयोग करूंगा कि लॉटरी किसकी निकलेगी, क्योंकि कई इतने कितने कॉन्टेस्ट जो है वो इतने क्लोज है कि आप ये कह नहीं सकते हैं कि लॉटरी किसकी निकलेगी, लेकिन राज ठाकरे के आने के कारण, क्योंकि शिवसेना जो है वो कोई एक अगर उस जिस भी पार्टी में फूट पड़ती है इसका मतलब है कि वहां पे कई फैक्शंस होते हैं, तो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे में जब फूट पड़ी तो ऐसा नहीं है कि राज ठाकरे उनका बड़ा प्रिय था और इसलिए उनके साथ में नहीं करेंगे, और जो अमित के खिलाफ जो सदा सरवणकर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो वो अपने आप में एक महान हस्ती है, जब मैं महान कहूंगा तो आप इसको इनवर्टेड कॉमा में मानिए, शिवसेना में जो महान होता है वो काफी दबदबे वाला होता है, हाँ, तो बाहुबली बाहुबली कह सकते हैं, बाहुबली तो नहीं लेकिन एक उनकी के लिए अगर छवि जो है वो एक मराठी मनुष्य ने एक होटल चलाता था जिसने जिसको कि जिसने अपना होटल पुनर्निर्माण के लिए ये लोग दबाव डाल रहे थे, सदा सरवणकर वहां के MLA है तीसरी बार, तो जब उसने नोटिस बोर्ड लगा के ये कहा था कि मैं इस MLA के दादागिरी के खिलाफ अपना होटल बंद कर रहा हूं, तो जब और बाल ठाकरे के समय में जब ये हुआ तो जब वो बाल ठाकरे की नहीं मानता था तो वो एकनाथ शिंदे की या की भी कितनी मानेगा इसमें मुझे शक है, तो ये पेज विद इन द पे खेल के अंदर बहुत सारे मुझे लगता है कि चक्र हैं जिनको कि हम आसानी से हमारे जो और जो ज्ञानी पैनलिस्ट हैं वो डाइसेक्ट करेंगे,
कई चीजें हमें मिलेंगी। जी शरद जी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। और जो व्हील्स विद इन व्हील्स हैं विवेक देशपांडे, ये किस तरीके से उभर के आएंगे और क्या अल्टीमेटली क्या शक्ल बनेगी, क्योंकि जिस तरीके का जो पिक्चर सामने आ रही है उसमें साफ दिख रहा है कि कोई भी ग्रुप खासतौर से महाशक्ति में आपस में ही इतने खींचातानी है, दूसरी तरफ भी इतनी खींचातानी है कि बताना मुश्किल हो रहा है, प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो रहा है, कांटे की लड़ाई। देखिए हाँ शरद जी, खींचातानी तो होती है, जब गठबंधन होता है तो खींचातानी होती है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल ही स्मूथ सब, हाँ, बिल्कुल कुछ भी मनमुटाव नहीं है और आपस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो हमको कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा, तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी में जो एक तरह से कोहरेंस है, एक तरह से यूनिटी है, जितनी यूनिटी महाविकास आघाड़ी के अंदर है उतनी यूनिटी, और उतनी ऑर्गेनिक यूनिटी में कह रहा हूँ, उतनी ऑर्गेनिक यूनिटी जो है वो महायुति में नहीं है। क्योंकि महायुति जो है वो सत्ता के लिए इकट्ठा आए है और महाविकास आघाड़ी जो है वो सर्वाइवल के लिए इकट्ठा है। इसमें फर्क है, सत्ता के अल्टीमेटली उनको भी सत्ता में जाना है, सर्वाइवल सत्ता के बगैर नहीं हो सकता है, पता है, लेकिन उनका इमीडिएट गोल है सर्वाइवल। तो वो सर्वाइवल के लिए जो इकट्ठे आते हैं और जो सत्ता के लिए इकट्ठे आते हैं उनकी यूनिटी में क्वालिटेटिव डिफरेंस तो रहेगा। तो महाविकास आघाड़ी की जो यूनिटी है वो ज्यादा टिकने वाली है ऐसा मैं मानता हूँ, जितनी टिकेगी वो कभी भी महायुति की यूनिटी से ज्यादा टिकेगी, क्योंकि उनको सर्वाइव करना है और सर्वाइव करने के लिए उनको एक दूसरे के साथ रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सत्ता के लिए इकट्ठा आने की वजह से ये एक दूसरे की काट करेंगे, इस ये हो सकता है। मुझे इस बात का अंदेशा हो रहा है कि महायुति के अंदर जो वोट ट्रांसफर है वो उतना स्मूथ तरीके से नहीं होगा, या फिर उतने उतने लेवल पर नहीं होगा जितना होना जरूरी है। एक महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए जितना जरूरी है उतना नहीं होगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी में उनका यूनिटी इंडेक्स महायुति से ज्यादा अच्छा होने की वजह से महाविकास आघाड़ी में वोट ट्रांसफर ज्यादा स्मूथली ज्यादा अच्छा होगा। उसकी जो उसका जो वॉल्यूम है वोट ट्रांसफर का वो ज्यादा रहेगा। वहां पर भी प्रॉब्लम होगी, मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ सीटों पर वोट ट्रांसफर पूरी तरीके से ना हो, अच्छे तरीके से ना हो, लेकिन वो महायुति में जो वोट ट्रांसफर होगा उससे कभी भी महाविकास आघाड़ी में वोट ट्रांसफर ज्यादा होगा और ज्यादा स्मूथली होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जहां तक एक गठबंधन के केमिस्ट्री का सवाल है, महाविकास आघाड़ी की केमिस्ट्री महायुति की केमिस्ट्री से ज्यादा अच्छी है ऐसा मैं मानता हूँ। अब क्या महाविकास आघाड़ी जीतेगी या फिर क्या महायुति जीतेगी, ये सवाल बहुत पेचीदा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में किसी भी विधानसभा के चुनाव में एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में इतने प्लेयर्स कभी इलेक्शन में खड़े हुए हो। मतलब 6 मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, 2 NCP, 2 शिवसेना, 1 कांग्रेस, 1 BJP, 6 पार्टियां एक साथ है और उसके साथ में उनके अलायंस पार्टनर्स भी हैं, एक वंचित बहुजन आघाड़ी भी है और फिर समाजवादी पार्टी भी है, उधर AIMIM भी है, हालांकि वो सारी सीटें ना लड़ रहे हो लेकिन है, और इंडिपेंडेंस भी है, रिबेल्स भी है। इतनी जहां पर खिचड़ी हो चुकी है वहां पर ये बता पाना बहुत मुश्किल है सेंस ऑफ फाइनलिटी के साथ कि कौन जीतने की स्थिति में है। लेकिन अगर आइडियोलॉजिकल नैरेटिव महाविकास आघाड़ी का जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बना था उसका लिंगरिंग इफेक्ट आज भी अगर कायम है, जिसके कायम रहने के बहुत चांसेस है ऐसा मैं मानता हूँ, उसको वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गया हो ऐसा मैं नहीं समझता, तो वो लिंगरिंग इफेक्ट जो संविधान बचाव वाला जो एक कैंपेन चला था, नैरेटिव चला था, उसका एक लिंगरिंग इफेक्ट आज भी महाराष्ट्र के इलेक्टोरेट पे है ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा, यूनिटी की बात तो मैंने की ही है। तीसरा एक महत्वपूर्ण फैक्टर ऐसा है कि अगर केंद्र की सरकार चुनने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने BJP को नकारा है और कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस है उसको चुना है, तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए वो BJP को चुनने का कोई कारण नहीं, वो ऐसी उल्टी गंगा तो नहीं बह सकती। तो
आज भी महाराष्ट्र का जो मतदाता है वो महाराष्ट्र में सरकार किसकी बने जब इसकी बात करे इसकी बात सोचेगा तो ज्यादातर लोग महाराष्ट्र में सरकार उसी पार्टी की बनाएंगे जिसके पक्ष में उन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदान किया है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ये केंद्र की सरकार चुनने के लिए होता है। वहां अगर वो अपोजिशन को चूज कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के सत्ता के लिए वो रूलिंग पार्टी को चुनेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ऐसे दो तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है, महायुति के पक्ष में एक बहुत दो दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स ये है कि उनका जो हिंदुत्व का एक नैरेटिव है वो उसका एक क्रिटिकल मास है अपना, उन्होंने वो जमाया है, लेकिन उसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि महाराष्ट्र ये एक प्रोग्रेसिव स्टेट रहा है हमेशा, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ने हरियाणा नहीं है कि जहां पर एक तरफ अपर कास्ट दूसरी तरफ ओबीसी का इतना डिवीजन है कि वो बिल्कुल दो फाड़ हो जाए। महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट होने की वजह से पुरोगामी चळवळ जिसको बोलते मराठी में, प्रोग्रेसिव मूवमेंट, फुले शाहू अम्बेडकर और बहुत बड़े समाज सुधारक भी महाराष्ट्र में हुए हैं, महाराष्ट्र की संत परंपरा है जिसमें सारे जातियों के संत है, तो ऐसी पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि जिस राज्य को प्राप्त हुई है वहां पर बिल्कुल दो फाड़ हो जाएंगे, ओबीसी एक तरफ मराठा एक तरफ, ऐसा मुझे नहीं लगता। ओबीसी का पूरा वोट महायुति की तरफ चला जाएगा और मराठा का तो बहुत बड़ी तादाद में महाविकास आघाड़ी की तरफ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ओबीसी पूरी तरह से महायुति की तरफ चला जाएगा जैसा वो हरियाणा में बीजेपी की तरफ चला गया था, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो हिंदुत्व का जहां तक सवाल है वो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव, संविधान के आइडियोलॉजिकल नैरेटिव को कितना काट सकता है। और दूसरा एक फैक्टर जो इनके पक्ष में आता है वो ये है कि जो वेलफेयर स्कीम्स का जो उन्होंने एक भंडार खोल रखा है वो थोड़ा सा ब्लंट करेगा महाविकास आघाड़ी के प्रोस्पेक्ट को, कितना ब्लंट करेगा उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल महाविकास आघाड़ी का पलड़ा आज भी थोड़ा सा भारी है। आने वाले 15-20 दिनों में आइडियोलॉजिकल फाइट किस लेवल तक जाती है और कितना लोगों के दिल को टच करने में महाविकास आघाड़ी और महायुति अपने अपने आइडियोलॉजिकल नैरेटिव से कितना सफल होते हैं, इसके ऊपर वो मटेरियल बेनिफिट्स के आगे कितना जा सकते हैं वोट देने के समय, ये तय होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये पार्थ, ये आपको क्या लगता है, जो बात करी वेलफेयर स्कीम्स की और खासतौर से जो लाडली बहना को जो रेप्लिकेट किया गया महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश से लेकर के, उसका कितना इम्पैक्ट होगा? महाराष्ट्र एक तरफ प्रोग्रेसिव स्टेट है, इकोनॉमिकली बेटर ऑफ है स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश या यूपी से, तो ये किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी वेलफेयर स्कीम्स का असर हो रहा है? देखिए, लाडली बहना का जो रिप ऑफ जिसको कहेंगे, लाडकी बहन महाराष्ट्र में, उसका इम्पैक्ट तो हो रहा है, मतलब उसका इम्पैक्ट हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। मैं अभी रिसेंटली ही एक मराठवाड़ा के एक गांव में था और अननोइंगली मेरा जो लॉज था वो बैंक के ऊपर था, तो मुझे पता नहीं था। तो मैं जब एक दिन उठा बाहर जाने के लिए तो वो पूरी जो गली थी वो भर भर चुकी थी लोगों से। तो मैंने कहा कि भाई ये हो क्या रहा है, तो मैंने सोचा लोगों से थोड़ा बात किया जाए। तो जब मैं बात की लोगों से तो पता चला कि वो जो लाडली बहना का जो महाराष्ट्र में स्कीम है उसका इंस्टॉलमेंट आया हुआ है आज, और वो पूरी जो लेन थी वो भर गई थी लोगों से वो इंस्टॉलमेंट रिसीव करने के लिए, बैंक में वो आए थे अपने पैसे लेने के लिए। तो उसमें इसका मतलब है कि बहुत असर है, तो उसको असर डिस्काउंट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर देखिए, ओवरऑल पॉवर्टी महाराष्ट्र में है, एग्रेरियन क्राइसिस है, फार्मर्स सुसाइड्स हो रहे हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट, आपको रोजगार नहीं है, तो ऐसे समय पे अगर आपको पैसे मिलेंगे तो लोग ऑब्वियसली लेंगे बिल्कुल, लेकिन उसके बाद वोट भी देंगे। ये आपका वो फ्रीज हो गया है। ये चीज अनुराग जी, हम वापस आपके पास आते हैं कि ये जो है कि लोग, ऐसा भी होता है बहुत सी जगह कि ठीक है स्कीम का बेनिफिट तो लेते हैं कि होते हैं, हमारा राइट है, वो स्कीम है, लेकिन उसके बाद भी वोट नहीं डालते, ऐसा भी मुमकिन है? मुझे नहीं लगता कि वोट डालते या नहीं डालते। असल में क्या है कि ये जो लालच
मतदाताओं को दिया जाना है, जिसको मोदी जी जो हमारे रेवड़ी यहाँ बांटना कहते हैं, रेवड़ी के दूसरा, जब दूसरे देते हैं तो रेवड़ी होती है, जब वो देते हैं तो बेनिफिट होता है। हाँ, तो ये जो परंपरा वो हुई है, जैसे पार्थ ने अभी कहा, तो हमारे, मैं भी जब पोस्ट ऑफिस के इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बैंक से लिंक कराने के लिए, आधार से अकाउंट को लिंक कराने के लिए कई लोग बाग एक लाइन लगे हुए थे। स्वाभाविक है, भारत एक गरीब देश है और एक गरीब देश को अगर कुछ मुफ्त में मिलती है तो महिलाओं का एम्पावरमेंट भी होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा, लाडली बहना से ज्यादा, जिस तरीके का पैसा निर्दलियों के लिए को बांटा जा रहा है, या जो और उम्मीदवार खड़े करने के लिए एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी विभाजित कर दे रही है, तो मेरी जो जानकारी है कि कई जो निर्दलीय हैं जिनको कि भाजपा ने प्रायोजित किया है, उनको मिनिमम अभी जो उनका लागत, उनका जो मूल्य मार्केट में है, शायद अफवाहों में भी हो सकता है या डिस्काउंट भी आप कर सकते हैं, तो हर एक को 5-5 करोड़ रुपया दिया गया है। ये बहुत लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक बात है, क्योंकि लाडली बहना स्कीम जो है, मैंने सुना है कि उसको चुनाव आयोग ने उस पे रोक लगा दी है। अभी जो उसकी जो किस्त है वो अभी नहीं मिल रही है, जो क्योंकि चुनाव आयोग, वैसे तो हमारा चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है ये आप लोग साथ जानते हैं, सबको मालूम है, और बड़ी मशक्कत के बाद में विपक्षियों को, जो यहाँ की सबसे बड़ी विपक्षियों की रिकॉर्डिंग कराती थी एक रश्मि शुक्ला करके एक महिला थी, हम लोग मानते हैं कि महिला पुलिस अधिकारी बड़ी करुणामयी होती है, लेकिन ये जो महिला थी, इसने सब कानून और जो प्राइवेसी के नियम है उनको ताक में रख के विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाई, और उसको उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्ष का उनको एक्सटेंशन दे दिया, जो कि अभी तक सुना नहीं गया था। तो रश्मि शुक्ला के सहारे जो पुलिस का, प्रशासन का जो प्रभाव डालना चाहते थे, वो चुनाव आयोग ने देर से ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि अभी पिछले 2 दिनों में जो महाराष्ट्र में जो सबसे बड़े 2 बदलाव हुए हैं, एक तो मराठा आरक्षण के जो आंदोलनकारी हैं, उनके नेता, उन्होंने कहा कि हम एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जो कि जिसकी की एकमात्र उम्मीद, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र उम्मीद अभी हम कितने वोट काट सकते हैं, कितने निर्दलियों को खड़ा कर सकते हैं, कितने, जैसे अभी विवेक जी ने बताया कि वंचित पार्टी, AIM, कई सब पार्टियां जो है उन्होंने खड़ी की है, तो ऐसी स्थिति में ये जो चुनाव है, ये सबसे ज्यादा उम्मीदवारों वाला और कम उम्मीदों का, हमारे मतदाता जो जागरूक मतदाता है, हमारे लिए कम उम्मीदें हैं, क्योंकि इसमें नागरिकों की जो सुविधाएं हैं, सड़कों की जो हालत है, उसमें ये केवल रेवड़ियां बांट रहे हैं कि अब टोल नहीं लगेगा, अब रोड कितनी खराब है इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, टोल नहीं लगेगा इससे लोग बाग सम्मोहित हो रहे हैं। जी पार्थ को कुछ बोलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पार्थ, पार्थ आपका कनेक्शन गड़बड़ हो गया था, प्लीज गो अहेड। जी बोलिए। जी नहीं, मैं ये कह रहा था कि उसका रिस्पांस अगर दिख रहा है, बट इवन देन वो सारे के सारे जो रिस्पांस है वो वोट में ट्रांसफर होगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल है। जी क्योंकि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, आपके यहाँ रोजगार नहीं है, पैसे कम है, तो लोगों को अगर सब्सिडी मिल रही है तो वेलफेयर पॉलिटिक्स में वो लेंगे, लेकिन सारे के सारे वो इसका मतलब शिंदे सरकार को वोट करेंगे, ये अज्यूम करना मेरे ख्याल से गलत होगा, ये गलत होगा। लेकिन इसके ये जहां कमिंग बैक टू राज ठाकरे, जो काम जो अनुराग जी ने बड़े अच्छे से बताया कि वो यहाँ पे वैसे ही है जैसे यूपी में मायावती, तो महाराष्ट्र में वही वोट काटने का काम, क्योंकि मायावती सबको मालूम है कि बीजेपी की बी टीम हो गई है और जैसा बीजेपी कहती है वो करते हैं। और ये जो अभी अनुराग जी ने विस्तार से बताया राज ठाकरे के बारे में, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, और उनको ये ईडी तो बहुत काम आती है, भारत मोदी और अमित शाह उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, तो यहाँ पे भी लगता है वो कारगर साबित हुई है। और अब जो राज ठाकरे, जिनका एक जमाने में दबदबा था, बड़ा उनके
उनका ये था, शोहरत ये थी कि भाई वो जो चाहे कर सकते हैं, उनसे बड़ा कोई बाहुबली नहीं था राजनीति में। तो वो तो अपने आप को उन्होंने खुद ही रिड्यूस कर लिया जब जब कमजोरियां उनकी सामने आ गई और ईडी उनको डिक्टेट कर रही है। ऐसी सूरत में वो क्या रोल प्ले कर पाएंगे सिवाय वोट काट। आप पार्ट जवाब दे दीजिए। आपका आखिरी थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया, लेकिन जो मैं समझ पाया हूं उसका मैं जवाब दे देता हूं। उनका वोट काटने के अतिरिक्त वोट काटने काटेंगे नहीं काटेंगे वो देखना पड़ेगा, कुछ वो कुछ कर पा रहे। जी जी जी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि एक तरह से जिस तरह से राज ठाकरे के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस से आशीष शेलार के बयान आ रहे हैं, ये भी लग रहा है थोड़ा सा कि बीजेपी राज ठाकरे का इस्तेमाल करके शिंदे को कॉर्नर कर रही है। हमने पिछले कुछ दिनों में ये देखा है कि जो वोट का शेयरिंग हुआ उसमें एकनाथ शिंदे के लोगों को थोड़ी कम सीटें मिली, वो थोड़े नाराज थे, और काफी सारे बीजेपी के लोग फिर एकनाथ शिंदे के शिवसेना में गए और उनको टिकट्स दिए गए, तो वो थोड़ा सा एक थोड़ी सी अनबन उन दोनों में हुई। फिर उसके बाद राज ठाकरे ने बीच में कार्यक्रम में कहा कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, और एक हिंदी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नाम भी लिया। तो ये एक तरह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी राज ठाकरे को यूज करके एकनाथ शिंदे को और कॉर्नर कर रही है, क्योंकि उनको अगला सीएम जो है वो बीजेपी का करना है, देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना है या बेसिकली एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करना है। तो ये भी एक तरह से राज ठाकरे का इस्तेमाल हो रहा है सिवाय वोट काटने के, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि माहिम की जो विधानसभा है मुंबई की, जहां से अमित ठाकरे खड़े हुए हैं, राज ठाकरे के जो बेटे हैं, तो उनको टिकट दे दी मनसे ने, राज ठाकरे ने उनको टिकट दे दी वहां। फिर उसके बाद आशीष शेलार जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है मुंबई के, उनका बयान आया कि हमें राज ठाकरे को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो पिछली बार लोकसभा में उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। तो इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो सीट है वो शिंदे के सदा सरवणकर को गई हुई है, तो और अब सदा सरवणकर या एकनाथ शिंदे ने वो सीट पीछे नहीं ली है आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद। तो ये एक तरह से राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे का एक कोल्ड वॉर चल रहा है, और बीजेपी मेरे ख्याल से राज ठाकरे के थ्रू एकनाथ शिंदे को और ज्यादा कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है। इसमें विवेक देश पांडे, इसका अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चुनाव पे, जिस तरीके से अगर बीजेपी अंदर अंदर एकनाथ शिंदे को मार्जिनलाइज करना चाहती है और उसके लिए राज ठाकरे का इस्तेमाल हो रहा है, तो अल्टीमेटली तो टोटैलिटी में नुकसान या होगा या बीजेपी का फायदा हो जाएगा। मैंने जैसे पहले चरण में कहा कि महायुति के अंदर जो केमिस्ट्री है वो वीक है, बाकी सत्ता के लिए म्यूट कर लीजिए। पार्थ आप म्यूट कर लीजिए, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। हां प्लीज आप विवेक जी। वो हिंदुत्व वगैरह आइडियोलॉजिकल वगैरह जो बताते हैं वो सब बकवास है, कोई हिंदुत्व का आइडियोलॉजिकल मेल वगैरह नहीं है। अगर हिंदुत्व की बात है तो आपने अजीत पवार के साथ में अलायंस कैसे बनाया? अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो आपने तो फिर ओरिजिनली उद्धव ठाकरे के साथ ही सरकार बनानी चाहिए थी, 2.5 साल उनको मुख्यमंत्री बनते देते, क्या प्रॉब्लम है? तो आपने एकनाथ शिंदे को आखिर 2.5 साल बचा हुआ 2.5 साल उनको दिया ही है ना, तो फिर पहले अगर उद्धव ठाकरे को दे देते तो बचे हुए 2.5 साल कम से कम आपका मुख्यमंत्री बनता, देवेंद्र मुख्यमंत्री बनते। तो ये बेवकूफी वाली जो राजनीति बीजेपी ने की है, जिसका कोई नसीर न पैर, कोई इस पॉलिटिक्स का कोई अर्थ ही नहीं बचा है, और जिस मुश्किल में अपने आप को डाल लिया है, तो ये अपने आप को चाणक्य किस लिहाज से कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ये कौन सी चाणक्य गिरी है शिवसेना को? क्या आपको क्या प्रॉब्लम? अगर आप नीतीश कुमार को, जो समाजवादी है, जो हिंदुत्ववादी नहीं है, उनको 5 साल मुख्यमंत्री बना सकते, और उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्ववादी है उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? तो ये इनका बुद्धि से बैर तो पहले से ही है, वो ठीक है, वो दिख गया महाराष्ट्र में कितना है। अब जहां तक राज ठाकरे का सवाल है, राज ठाकरे बहुत ज्यादा चर्चा करने का विषय भी नहीं है,
जब बाल ठाकरे ने तय किया था कि भी मेरा उत्तराधिकारी जो है वो उद्धव ठाकरे होगा, तो कई लोगों ने उस पर शंका आशंका जताई थी कि अरे ये क्या किया है, उनका असली उत्तराधिकारी तो राज ठाकरे है, वो ज्यादा काबिल है। लेकिन अंततः सिद्ध ये हुआ कि उद्धव ठाकरे ही ज्यादा काबिल है और बाल ठाकरे जो है उन्होंने अकलबंदी से काम लिया, उन्होंने बराबर आदमी को चुना। अगर राज ठाकरे के हाथ में शिवसेना दे देते तो उसका क्या होता, ये आज जो राज ठाकरे का जो पूरा परफॉर्मेंस है उसके ऊपर से आप समझ सकते हैं कि शिवसेना कहाँ चली गई। बिल्कुल सही बात। उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे जी को पता था कि कौन ज्यादा काबिल है, इसलिए नहीं कि वो अपना बेटा है इसलिए उसके हाथ में दे दिए और वो भतीजा है तो उसको नहीं दिया। उनको मालूम था अगर वो ज्यादा काबिल होते राज ठाकरे तो बाल ठाकरे उनके ही हाथ में कमान संभालते, इसमें कोई शक नहीं। अब उसके बाद जब इनका परफॉर्मेंस देखिए आप, इतने सालों में राजनीति में इन्होंने कितना कवर किया है डिस्टेंस देखिए। जो 2009 में 13 सीटें उनकी आई थी उस समय बहुत लोगों को लगा कि ये तो लंबे लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी तो एक ही है, अभी तो एक ही है। और एक कुछ उनका कॉरपोरेशन था नासिक में, तो बाकी इनके पास है क्या अभी। और अब जैसे हमारे मित्र अनुराग ने बताया, उनका जो बेटा है वो ढंग से मराठी भी बोल नहीं सकता, मुझे नहीं पता अगर ये सच है तो फिर आपने मराठी मानुस वाला प्लैंग जो उसका क्या अर्थ रहा, ये आपके बेटे को ठीक से मराठी तो आनी चाहिए। उद्धव ठाकरे के बेटे को आती है, मराठी भी अच्छे से आती है, हिंदी भी सुंदर बोल लेते हैं और अंग्रेजी भी पराठेदार बोल लेते हैं। तो कंपैरिजन अगर आप किसी भी लिहाज से कर लीजिए तो उद्धव ठाकरे ज्यादा लायक शिवसेना के अध्यक्ष बनने के और शिवसेना के उत्तराधिकारी बनने के ज्यादा लायक थे। तो इन्होंने प्रूव क्या किया है, अब इनकी एक जो क्वालिफिकेशन थी कि ये बिल्कुल मुंहफट है और ये सच का हमेशा साथ देते हैं, सच्चाई कहते हैं, अब वो भी उन्होंने वो भी खो बैठे हैं। पिछले चुनाव में लोकसभा के वो दाखौरे तो वीडियो बोल के मोदी और शाह के खिलाफ उन्होंने कैंपेन किया और अब उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से जो उनकी जो इमेज बनी थी खरा खरा बोलने वाले की, वो इमेज भी गंवा के बैठे हैं वो, तो उनके पास बचा क्या है, अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची। इसलिए मैं कहता हूँ कि राज ठाकरे ये बहुत ज्यादा बड़े चर्चा का विषय भी नहीं हो सकता, तो उनका जो भी 1-2% का फर्क पड़ सकता है वो बीजेपी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कांटे की जब टक्कर होती है तो 1-2% से भी बहुत फर्क पड़ता है। उसके लिए राज ठाकरे को उन्होंने साथ लिया है, राज ठाकरे से बहुत उनको मोहब्बत है, इसलिए नहीं क्योंकि 4 ही साल पहले की बात है, 5 ही साल पहले की बात है जब पूरी तरह से कपड़े उतारने का काम मोदी शाह के नेतृत्व का राज ठाकरे ने सरेआम किया था। तो उसके बाद फिर इस तरह से राज ठाकरे को बहुत महत्व देने का कोई कारण नहीं, केवल उनके पास जो 2-3% वो उधर का इधर ला सकते हैं उसके लिए उनको साथ में लिया है। अब तो मुझे आशंका ये है कि जब ये बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं और अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो बैठे हैं तो जितना बचा था उतना भी परसेंटेज इनको मिलेगा या नहीं, इस तरह की शंका मुझे लगती है कि ये बिल्कुल लाजमी है कि ऐसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे ये बहुत एड ऑन फैक्टर महायुति के लिए बनेगा, ऐसा कुछ राज ठाकरे के पास बचा नहीं है। शरद जी राइट राइट बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत सही कि मुझे मेरा पर्सनल असेसमेंट यही था। अनुराग चतुर्वेदी जी ये जिस तरीके क्या कहानी वहां बिल्डअप हो रही है, इसमें ये तो दिखता है कि किस तरीके से मोदी शाह डेस्परेट हैं और डेस्परेशन होना भी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र उनको किसी भी तरीके से हासिल करना है। इसमें ये ठीक है इनका भी इस्तेमाल करो उसका भी, जितनी भी पार्टीज लेकर के आए हैं सब वोट काटने वाली पार्टीज हैं और कितना कारगर होंगी ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जो डेस्परेशन है क्या आपको लगता है ये वहां तक भी जा सकता है, और क्योंकि शिंदे वहां बैठे हुए हैं कि इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, क्योंकि अब ये उस पर उतर आए हैं, कई जगह इस तरह का देखने को मिला है कि साम दाम दंड भेद कैसे भी हो हमें जीतना है। जी आपने को याद होगा कि नाना पाटोले ने अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कई मतदाताओं के नाम जो हैं वो जानबूझ के काट दिए गए। आपको याद होगा कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सव्यसाची ने एक शोध पेपर किया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि किस तरीके से एक संभावना है कि जो मतदाता सरकार
सरकारी दल को या भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करते हैं, उनके नाम पहले से ही मतदाता सूची से काट दिए जाते हैं। लेकिन मैं शरद जी, मैं फिर से राज ठाकरे पे आना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नुकसानदायक सौदा इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि राज ठाकरे की जो उत्तर भारतीयों के प्रति जो उनके बयान है, उनका व्यवहार है, वो काफी नफरत भरा है। तो और भारतीय जनता पार्टी जो है मुंबई में विशेष खास करके उत्तर भारतीयों की पार्टी है और उन्होंने कांग्रेस के भी जो उत्तर भारतीय नेता थे उनको भी इनकम टैक्स और ईडी का भय दिखा के कृपा शंकर सिंह, जिनपे की काफी करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स के केसेस चल रहे थे, वो सब उनके खत्म किए गए, उनको जौनपुर से चुनाव लड़ाया गया, खत्म कर दिए गए। उनके चुनाव के लिए आपको मालूम है किस तरीके से बाहुबलियों को भी सरेंडर करवाया गया, लेकिन वो हार गए, ये अलग बात है। लेकिन अभी भी यहाँ तक कि आरपीआई जो रामदास अठावले की पार्टी में जो उम्मीदवार खड़ा किया गया है कालीना से, वो भारतीय युवा मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी ने कई डमी कैंडिडेट इन संगठनों को अपने डाल दिए हैं, जैसे कि शिंदे पार्टी में करीब 17 लोग बाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जैसे ये शाइना जो है जो उमर खाड़ी से जो चुनाव लड़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी अभी 4 दिन पहले, वो स्पोक्स पर्सन थी बिल्कुल बिल्कुल, और अभी आके फिर वो इधर कर दिए। नारायण राणे का जो एक बेटा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमपी बना था, वो अब उनका शिंदे पार्टी में चला गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि इनके घर के ये डॉक्टर डॉक्टर या बच्चा के खेल चल रहे हैं और इसको लोग समझेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत भ्रम में चली गई है और एक उनको राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, रामदास अठावले, प्रकाश अंबेडकर, इनका इतना ज्यादा जमावड़ा इकट्ठा कर लिया है कि ये अपनी अपनी पैसे की, धन की और जो उनकी पावर है वो समाप्त हो चुकी है। वो चिराग जैसे हम लोग सुनते थे कि उसके पास में एक ऐसा चिराग था जिससे कि एकदम वो सबको जलते हुए आदमी को हवा में उड़ा देता था, ऐसा कुछ नहीं रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रम जो है, एक ही आदमी इस अगाड़ी का जो सबसे शक्तिशाली आदमी मैं मानता हूँ वो शरद पवार है। शरद पवार ने अजीत दादा को खत्म करके भारतीय महायुति के सत्ता पे काबिज होने का सपना तोड़ दिया है और यही शरद पवार जो है जिस तरीके से 84 वर्ष की उम्र में, मुझे तो कई बार लगता है कि भारत के जो नेता है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आते हैं, जैसे जयप्रकाश जी आए थे उसी तरीके से मुझे तो लगता है कि शरद पवार, जिनके कई अवगुण या कई उनकी लोगों को नाराजगी है, उनके बारे में कई बार आलोचना होती है, लेकिन वो जिस तरीके से मोदी शाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो अप्रतिम है। जी शरद जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा है और सबका ये मानना भी, मैं इनफैक्ट ये आना ही चाहता था विवेक देशपांडे इसी सवाल पे कि शरद पवार का ओवरऑल जो पिक्चर है उसमें क्या, जो अनुराग जी जिस तरह बताया, क्योंकि शरद पवार को सही माने में तो उन्हें चाणक्य कहना चाहिए, लोग अपने आप को चाणक्य डिक्लेयर करे हुए हैं, लेकिन सही माने ये फैक्ट है कि 84 साल की उम्र में जो आदमी पूरा कंट्रोल कर रहा हो और जिस तरह जहां मोहरे बैठाल रहा है उस तरीके से, तो आपको लगता है जिस तरीके का उन्होंने कंसीव किया है, जो भी उन्होंने सोचा है, वो जमीन पे उतरते हुए दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने चैलेंज स्वीकारा है मोदी और शाह के, राजनीति का जो चैलेंज है वो, देखिए मोदी और शाह एक क्लासिकल पॉलिटिशियंस नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं करते। नीतीश कुमार पॉलिटिक्स करते हैं, वो सर्वाइवल के लिए इधर से उधर, वो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन वो किसी को चाकू लगाकर सत्ता में कायम नहीं रहते, वो किसी को डरा धमका कर सत्ता में कायम नहीं रहते। नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते हैं, वो राजनीति का स्तर क्या है ये अपने आप में अलग बात है, लेकिन किसी को डरा धमका कर, किसी को जेल में डालकर नहीं करते। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो राजनीति है वो राजनीति नहीं, वो क्लासिकल पॉलिटिक्स नहीं है, मैं उसको माफिया तंत्र कहता हूँ, वो माफिया तंत्र है और उसको पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उनके पहले जो भारत में होता था वो पॉलिटिक्स होता था
और कहीं कहीं उसमें माफिया का इस्तेमाल होता था, मतलब माफिया वो सेकंड फिडल, माफिया तंत्र वो सेकंड फिडल, यहाँ पर माफिया तंत्र ये मेन तंत्र है और राजनीति जो है वो उसका सेकंड फिडल करके प्ले करता है। तो ये फर्क है शरद पवार और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति में। शरद पवार हमेशा ही राजनीति करते रहे और क्लासिकल पॉलिटिशियन है, कभी भी किसी को भी बुरी भाषा में किसी से बात नहीं करते, बुरी भाषा का प्रयोग नहीं करते। प्रधानमंत्री जी के भाषण देख लीजिए आप, जो झारखंड में भाषण चल रहे हैं उनके, मतलब प्रधानमंत्री के पद को जो शोभा नहीं देता, इस तरह की बातें करते हैं, रोटी बेटी बाटी आपके लेके जा रहे हैं वगैरह। कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो जानी चाहिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन जो चुना हुआ आयोग है, वो चुना हुआ आयोग जो है वो कार्रवाई नहीं करता, ये अपने आप में अलग बात है। लेकिन शरद पवार जी का खासियत, उन्होंने अभी अपना एक मेरे ख्याल से एक पैतरा उन्होंने खेला है, उन्होंने कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, सेंटिमेंटल एक कार्ड उन्होंने खेला है जो मुझे लगता है कि रंग लाएगा। और आप देखिए पिछली बार भी उनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था लोकसभा में, और इस बार विधानसभा में भी सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट शरद पवार जी का ही रहेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लोग उनकी एक जिसको एक कल्चर्ड राजनीति कहते हैं वो उन्होंने की है, कभी भी बुरा शब्द मुंह से नहीं निकाला है और अपने आप को सर्वाइव किया, भले ही कुछ पॉकेट्स में होंगे, वो पूरे महाराष्ट्र में इतने साल राजनीति में रहने के बाद भी पूरे महाराष्ट्र में उनके लोग चुनकर आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को वो तो कंट्रोल करते हैं और इतने सालों से कर रहे हैं, सीटें भले ही ना प्राप्त हो लेकिन राजनीति तो अपने हाथ में रखते हैं, उतनी ताकत रखते हैं। तो वो शरद पवार का स्ट्राइक रेट अगर सबसे ज्यादा अच्छा रहा है अब की बार, जो जिसके आसार बहुत ज्यादा है, तो वो किंग मेकर साबित होंगे। हालांकि वो चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे, वो राजनीति में उस तरह से अभी नहीं है जिस तरह से। और एक बात है, देखिए आप राज ठाकरे की बात हम करते हैं, ईडी के डर से वो बीजेपी की तरफ हो गए, जब शरद पवार जी को ईडी का डर दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूं आपके ऑफिस में, चलो इस दिन मैं आता हूं। इसको कहते हैं हिम्मत, सिर्फ मुंह में हिम्मत, मतलब बोलने की हिम्मत नहीं है, करके दिखाने की हिम्मत है। राज ठाकरे सिर्फ मुंह से बोलते हैं और फिर जो दुकान तोड़ना वगैरह, किसी की मराठी पार्टी नहीं है तो उसको मार पीटना, ये तो उनके जो चेले चपाटे वो कर लेते हैं, लेकिन जब ईडी का डर दिखाया गया तो राज ठाकरे डर गए और बीजेपी के साथ चले गए। शरद पवार का ऐसा नहीं है, शरद पवार किसी को चैलेंज नहीं करते मुंह से, लेकिन जब ईडी ने चैलेंज दिया तो वो चले गए, और जब ईडी को पता चला कि अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं तो ईडी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। जान दो पहलवान, ये पैतरा ईडी ने अपनाया और उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी। तो ये है, ये होता है असली हिम्मत का प्रदर्शन और ये होती है असली राजनीति। शरद पवार ने वो आखिर तक की है, मुझे लगता है कि अगर उनका आखिरी इलेक्शन है तो लोग उनको उनका सम्मान करेंगे और उनको भर भर के उनको वोट्स मिलेंगे और उनकी पार्टी को अच्छा यश प्राप्त होगा। इसके बारे में मेरे मन में तो भी आज कोई शंका नहीं है। चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या होता है देखेंगे, आने वाले 15 दिनों में बीजेपी की तरफ से क्या खेल होता है ये भी देखना पड़ेगा। ये भी बड़े खिलाड़ी है तो ये क्या खेल खेलते हैं और किस तरह से बाजी पलटाने में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। शरद जी बस इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं, मैं पार्थ एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं कि इन सबके बीच में कांग्रेस की क्या स्थिति है। आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं बस अनम्यूट कर रहा था, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। इन सब में कांग्रेस की क्या स्थिति है, बस मैं ये चाह रहा था, कांग्रेस बनती है इन सबके बीच में? जी, मेरे हिसाब से कांग्रेस फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछ रहा हूँ, उसकी क्या स्थिति है, कहाँ पे बैठी है, कुछ प्रॉब्लम? मेरी आवाज आ रही है? प्रॉब्लम विवेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं पूछ रहा था कांग्रेस के बारे में चाह रहा था। हाँ, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर? नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लगता है मेरी आवाज आपको नहीं मिल रही। तो नहीं, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। तो आपका कांग्रेस का सवाल था, मैं जवाब दे देता हूँ। बस बस, वही कंक्लूडिंग। जी जी जी,
मेरे ख्याल से अभी इस वक्त जो तीन रीजन्स है महाराष्ट्र में, वहाँ जहाँ पर महाविकास आघाड़ी थोड़ा अच्छा कर रही है, मतलब एनडीए से बेटर कर रही है, वो है वेस्टर्न महाराष्ट्र जहाँ शरद पवार मोस्टली इंचार्ज है, फिर है मराठवाड़ा जहाँ शिवसेना ज़्यादा स्ट्रांग है, और फिर है विदर्भा जहाँ पे कांग्रेस अपना लोकसभा का परफॉर्मेंस रिपीट करने की पोजिशन में है। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस का फिलहाल जो स्टेट है वो वही है कि वो ज़्यादातर विदर्भा में अपना जो परफॉर्मेंस है वो उससे महाविकास आघाड़ी को लीड दिला सकती है। फिर मुंबई का जो सिचुएशन है वहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि 22 सीटें जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिली है और 10 ही सीटें कांग्रेस को मिली है, और वहाँ पे जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो ठीक से नहीं हुआ है, तो शायद कांग्रेस को वहाँ पे फटका थोड़ा सा बैठ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सिटी जो जो विदर्भा में, विदर्भा में कांग्रेस का और ऑब्वियसली विवेक जी ज्यादा मुझसे अच्छी तरह से बता पाएंगे, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट्स वो यही है कि विदर्भा में कांग्रेस इज लीडिंग एंड इज डूइंग वेल अगेंस्ट द बीजेपी। कहानी बिल्कुल साफ है महाराष्ट्र की कि जिस तरीके की पिक्चर बनती हुई दिख रही है, ऐसा नहीं है कि महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर पाई है राइवल पार्टी यानी कि बीजेपी। बीजेपी ने कितने भी गोटे इकट्ठी कर ली हों, किस तरीके से छोटी छोटी पार्टीज को जोड़ करके मैदान में उतरवाया हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उतरवाए हों जिससे कि वोट कटे, और यहां तक कि राज ठाकरे को भी ले आए कि मराठी वोट को काटने में शायद वो कामयाब हो जाए। हालांकि राज ठाकरे इतने दिनों से कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में विजिबल नहीं रहे उस तरीके से जिस तरह एक जमाने में थे और माने जाते थे, तो ऐसी सूरत में लगता नहीं है कि बीजेपी का जो सपना है कि इन सब चीजों को मिला करके और राज ठाकरे को लेकर के वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर पाए हैं महाविकास आघाड़ी के लिए और आगे आने वाले समय में वो वापस सत्ता में काबिज हो सकेंगे। डगर बड़ी मुश्किल है, लड़ाई जरूर कांटे की है, लेकिन फिर भी ये साफ दिखता है कि महाविकास आघाड़ी की को काफी एज ऑलरेडी मिल चुकी है। कितना ये डैमेज कर पाएंगे, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे ये और जो छोटे प्लेयर्स हैं, और इसी तरीके से आपने देखा है AIMIM को भी जो इस्तेमाल करती है बीजेपी, सबको जहां जहां जैसे यूपी में मायावती को इस्तेमाल करती है, इसका फाइनली जो रिजल्ट जो है जो इनको उम्मीद है इन लोगों से, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कोई फैसला में फर्क ला पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप सबका हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।